हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्रिंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो हमारा क्रिएटर स्टूडियो पहले था वो अब हमारा ये मेटा बिजनेस सूट की तरह आ गया है। और इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है, जो कि हम जो क्रिएटर स्टूडियो में हम इजीली कर लेते थे, यहाँ पर हमें ये स्विच करने वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि हमें यहाँ पर स्विच करने के लिए डायरेक्ट, जैसे क्रिएटर स्टूडियो में सिलेक्ट और अनसिलेक्ट का सिस्टम था, वैसा इसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ये चेंज करने की वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं, पर एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं पड़ी हुई है कि आप वापस से क्रिएटर स्टूडियो में कैसे जा सकते हैं। मेटा बिजनेस सूट अगर आपका हो चुका है, ये ऑटोमेटिकली, जैसे ये आप देख सकते हैं एक पेज है और ये मेटा में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोई भी वीडियो पब्लिश करेंगे तो वहां पर हमें यहाँ क्रिएट पोस्ट पर जाकर करना पड़ता है। और ये आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। पहले तो मैं ये चीज, जिनको मेटा में यूज करना है उनके लिए, यहाँ से जाकर डेस्कटॉप पे जाकर फाइल से गैलरी में से कोई वीडियो उठाकर ओपन करके, यहाँ पर ये पीसी से है लेकिन आपके मोबाइल में भी कुछ इस तरह से ही अभी खुल रहा होगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपको ये वापस से क्रिएटर स्टूडियो कैसे करना है, जो अगर आपका मेटा बिजनेस सूट आ गया है और आप अगर इसको यूज नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो आप वापस से मेटा बिजनेस सूट में जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ हेल्प वाला जो बटन दिखेगा, आपको ये मोबाइल में भी दिख जाएगा, आप थोड़ा सा इसको दबा के ऊपर करना मोबाइल में जो स्क्रीन आएगी आपको, और यहाँ पर सेटिंग के नीचे आपको एक हेल्प करके ऑप्शन दिखेगा। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन ये है, स्विच टू क्रिएटर स्टूडियो, यू विल नो लॉन्गर बी रीडायरेक्ट टू मेटा बिजनेस सूट। तो इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्विच बैक का ऑप्शन आता है, और यहाँ पर हम ये बताएंगे कोई प्रॉब्लम कि हमें इसमें इस चीज की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर दो तीन चीज सिलेक्ट कर देंगे, फीवर टेक्निकल इशू और अदर और मोनेटाइजेशन टूल, ये तीन चीज सिलेक्ट करके बाकी कुछ आपको नीचे लिखना है, तो समथिंग कुछ लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट करेंगे तो देखना अभी ये बिजनेस सूट है ये क्रिएटर स्टूडियो में बदल जाएगा। ये देखिए, वापस से आपको क्रिएटर स्टूडियो की वापस से ये चीज आ चुकी है। अब यहां से आप वो चीजें दोबारा से देख सकते हैं, सब चीज वैसा ही हो गया है जैसा आप पहले यूज करते थे, ये ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया है यहाँ पर। तो आप सिंपली यहां से, जैसे ये अनसिलेक्ट और सिलेक्ट वाला जो सिस्टम था, यहां पर आप देख सकते हैं वो फिर से आपको दिख जाएगा, और यहां से आप कोई भी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल अपलोड। इसमें क्या है कि पहले मल्टीपल वाला ऑप्शन उसमें मेटा बिजनेस सूट में नहीं आता था, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप कई वीडियो को एक साथ मल्टीपल भी कर सकते हैं। वाई बल्क अपलोड यहाँ पर दिख सकता है आपको कि गैलरी में से कोई भी आप 10-20 वीडियो को एक साथ लगा सकते हैं, जो कि मेटा बिजनेस सूट में नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा लोगों को आसान भी होता है। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको ये चीज नहीं पसंद आ रही तो आप फिर से यहाँ पर टैप करके, एक मिनट, यहां पर टैप करके वापस से आप उसी जगह जा सकते हैं। और अगर आपको इसी को यूज करना है तो फिर आप इसी को यूज कीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों, ये आप लोगों को एक न्यूज देनी थी कि भाई कैसे जाते हैं मेटा बिजनेस सूट से वापस से क्रिएटर स्टूडियो में। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को देखकर। ये सेम प्रोसेस मोबाइल के लिए भी है, और पीसी में अगर करना चाहते हैं तो पीसी में भी, लैपटॉप में भी करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस लैपटॉप में भी यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।